पहले उसका एक्सीडेंट जैसे भी हुआ था, दाएं पैर पर उसका एक्सीडेंट है, दाया पैर। आ जाओ बेटा, नहीं फिर हम जाऊंगे कि तुम जहां बैठे हो जितना लुकोगे तो फिर अगर हम अपनी भी आएंगे तो फिर तुमको। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की, जोर से बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। आओ बैठ जाओ, तुम्हारा ही आता है यहाँ पे, आ जाओ फिर बैठो, फिर बैठने में दिक्कत, वैसे बैठ जाओ उस साइड पैर झुलाकर। इतनी समय से बुला रहे थे, कहाँ थे तुम बताओ? माइक लो, माइक लो। गुरुजी मैं कुछ कहना चाहता था इसके बारे में, अपने पास रहता है लड़का ये। अच्छा जी, माइक ले, माइक माइक। ये 8-10 साल से है गुरुजी मेरे पास, साथ में रहता है। हाँ जी। लेकिन अभी क्या है, 2-3 साल से जी आ नहीं रहा था मेरे पास काम पे। हाँ जी। उसका क्या, ऊपर गाड़ी में माल बांध रहा था तो हाथ की हड्डी टूट गई थी। हाँ जी। तो उस समय से नहीं आ रहा था, फिर अभी उसका बीच में एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये डिस्टर्ब टाइप का रहता गुरु जी। अच्छा। हाँ। अपने, अपने उसी में काम करता था। हाँ, काम भी करता था। और जैसे अमाउंस होने का टाइम आता है या कुछ आता है तो बात नहीं करता या कुछ भी अजीब टाइप का रहता है। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हमने दिखा रहे आशीर्वाद लेने आए हैं, दाया पैर में दिक्कत है, सफलता लेने आए। मन बहुत ज्यादा विचलित रहता है, दूरियां बना करके रहते हैं। मन बहुत ज्यादा विचलित रहता है, दूरियां बना करके रहते हैं। तंत्र बाधा का प्रयोग करवाया गया है। क्या है? तंत्र बाधा का प्रयोग करवाया गया, इसके कारण इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तंत्र बाधा के कारण तुम दूरियां बना करके रखते हो, तुम्हारे ऊपर तंत्र बाधा का प्रयोग करवाया गया। तंत्र बाधा का प्रयोग है, दरबार की बात हम आपसे इसमें चर्चा करेंगे। चलो, सिद्धेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। देखो तुम कितनी दूर बैठे थे, तुमको बुला ली, बताओ कहाँ बैठे थे, जहाँ दिख भी नहीं रहे हैं। तुम ये ना समझना कि तुम पैंट पहन करके रखे तो हम कुछ नहीं जानते। आप तुम हमको बोलो सीताराम, बोलो बजरंग बली की, बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, संतों की, सब भक्तों की, हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की, सनातन के शक्तियों की, हनुमान जी के विरोधियों की, हनुमान जी के विरोधियों की, बालाजी की कृपा की, बालाजी की कृपा की, बालाजी की कृपा की, सन्यासी बाबा की कृपा की, सन्यासी बाबा की कृपा की, बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। परम मंगल परमात्मा, पूज्य श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी के चरणों में, सिद्धेश्वर बालाजी के चरणों में इस दास का 100 बार नामकरण की कोटि कोटि प्रणाम। आज सिद्धेश्वर हनुमान जी की कृपा से, सिद्धेश्वर बालाजी की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से आज का मंगलवार का दिव्य दरबार, हर जगह आप लोग सुनते होंगे दिव्य दरबार, लेकिन सिद्धेश्वर बालाजी की महिमा और उनकी कृपा से लोक मंगल दिव्य दरबार है सिद्धेश्वर हनुमान जी का। हनुमान जी के चरणों में भी 100 बार नामकरण के कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। सभी भक्तों को बाबा के चौपाई के साथ हम प्रणाम करेंगे। जितने सभी संत महात्माओं को, सभी कट्टर हिंदुओं को भी प्रणाम करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी,
कर हूँ प्रणाम जो जुग पाए। आप लोग हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। जो भी हमसे गलती हो, जो भी हमसे टूटी फूटी गलती हो, आप लोग हमको अपना बालक समझ करके क्षमा कर देना। गलती होती है, इंसान से ही होती है, और गलती तो कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन आज तक सिद्धेश्वर हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से आज तक गलती हुई नहीं है। और हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे भी कि आगे कहीं गलती हो भी नहीं। आप लोगों को, सभी माताओं को जय सियाराम। तुम धूप में बैठे ठीक बैठे, आप लोग भी धूप में बैठे बहुत सही बैठे, सब लोगों को जय सियाराम। कभी धूप कभी छाया, कभी सुबह कभी शाम, तो ये तो होते ही। अभी तो दोपहर में बैठे हो आप लोग, हनुमान जी का आदेश आया कि आधा घंटा बाद जो है छाया आ जाएगी। आप लोगों को बता दें, सिद्धेश्वर बालाजी की कृपा, सिद्धेश्वर हनुमान जी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा कोई साधारण कृपा नहीं है। यहाँ की कृपा कोई बनावटी कृपा नहीं है। सिद्धेश्वर धाम पर जितनी भी कृपा आज तुमको दिख रही है, आगे जितनी भी तुमको कृपा दिखेगी, ये केवल सन्यासी बाबा और हनुमान जी की महिमा है। और सिद्धेश्वर बाला जी तो बोला भी करते, हनुमान जी बोला भी करते कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। एक बात कह दे, दुनिया तुम्हारे बारे में कितना सोच लेती है, तुम इसमें परेशान हो जाते हैं। हम तो कभी परेशान नहीं होते। तुम एक बात बताओ, दिमाग से सोचो, हमारे दो आंखी, हम तो दो आंखी से देख रहे हैं, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमको हजारों आंखें देख रही, बताओ तुम। ये है बालाजी की कृपा। हम तो केवल एक मुख से बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हजारों मुख बोल रहे, बताओ तुम। ये है बजरंग बली की कृपा। अभी भी तुमको कह दे जग जाओ, अभी भी तुम बालाजी को अपना लो, एक दिन ऐसा समय आएगा, और वो समय ज्यादा समय नहीं है, आज से 6 महीना के बाद तुमको बताएंगे हनुमान जी सन्यासी बाबा की कृपा क्या होगी। क्योंकि दुनिया का प्रयास बहुत भारी है, दुनिया का प्रयास बहुत भारी है एक शख्स को गिराने के लिए, लेकिन जिसने भी सोचा है बजरंग बली की इतनी बड़ी महिमा है कि कुल हनुमान जी खत्म कर देते हैं, तुमको बता। तो गाइज, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज मैं इसी तरह की वीडियो बना के आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।